नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ और अब वक्त हो गया है शब्दबाण का। चार राज्यों के तूफानी दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम और अरुणाचल को सौगात दी, सिलीगुड़ी में संदेश खाली और राशन घोटाला को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी को माताओं बहनों की कोई चिंता नहीं है, टीएमसी को इसकी भी चिंता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। संदेश खाली में टीएमसी के लोगों ने जो किया, आज उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। टीएमसी को आपकी तकलीफ से, आपकी परेशानियों से कोई कष्ट नहीं होता। संदेश खाली में गरीब, दलित, आदिवासी बहनों के साथ टीएमसी के नेताओं ने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार और गरीब की कमाई को लूटना, यही टीएमसी के तोलाबाजों का काम रहा है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, 39 नाम फाइल किए। केरल के वायनाड से राहुल गांधी को फिर उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन इस ऐलान से वो इंडिया अलायंस के ही टारगेट पर आ गए हैं। सीपीआई ने पहले से यहां एनी राजा को टिकट दिया है, ऐसे में डी राजा ने तुरंत राहुल को वायनाड से लड़ने पर अटैक किया। दिस इज व्हाट दे शुड हैव थॉट, बिकॉज़ एज सीपीआई वी हैव अनाउंस्ड द कैंडिडेट्स लॉन्ग बैक and the campaign is going on. This is all known to Congress party. Despite that, if they decide to field Mr. Rahul Gandhi as candidate in one constituency where he has to confront LDF, Left and Democratic Front, and CPI, that is for Congress to think over. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी के फैसले को सबके सामने रखा। नाउ सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ऑफ कांग्रेस हैज सेलेक्टेड 39 कैंडिडेट्स, फर्स्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। वी आर अनाउंसिंग 39 कैंडिडेट्स टुडे, इन विच इंक्लूडेड फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधीज नेम इज देयर, फॉर्मर छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी नेम इज देयर। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में एक नमाजी के साथ पुलिस वाले की बदसलूकी पर प्रशासनिक एक्शन तो हो गया है, लेकिन पॉलिटिकल एक्शन अब शुरू हुआ है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक और गुजरात से लेकर असम तक मुस्लिम लीडर इस पर सियासत करने में जुट गए हैं। अगले 40 दिनों में लोकसभा चुनाव है, दिल्ली विधानसभा में इंद्रलोक का मुद्दा उठा। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने आरोप कल दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जुमे की नमाज अदा कर रहे लोगों पर पुलिस ने आकर लातें बजाई, उनको ठोकरें मारी। इस बर्बरता के लिए शंकर कुमार सब इंस्पेक्टर, सराय रोहिल्ला थाना का सब इंस्पेक्टर खाली, उसे सस्पेंड कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई पूजा कर रहा हो, कोई अरदास कर रहा हो या कोई नमाज पढ़ रहा हो, इसी पूजा में नमाज में आकर लात बजाना, ठोकरे मारना बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है सर। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के इंद्रलोक की घटना को आइसोलेट करके नहीं देखा जा सकता। पिछले कुछ सालों से देश के मुसलमानों को अपमानित करने की मुहिम चल रही है और दिल्ली की घटना इसी का नतीजा है। मैं पूछना चाहूंगा हमारे वजीर आजम से, बीजेपी के लोगों से, कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक किस परिवार से है? किस परिवार से है वो, किसके ख़ानदान से है, बताओ। आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से?
जो इस वतन अजीज के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है, तो ये तमाम फिरका परस्ती और नफ़रत के मज़ाहरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़जल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का खात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फसादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था, इससे भी सबक हासिल नहीं किया वहाँ की पुलिस के अहदेदार? कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान ज़ख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा उसकी फौत हो गई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% ज़्यादा लोग मज़हबी लोग हैं और अपनी मज़हबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं, तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं, हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे, आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी ज़हनियत का, अपनी नफ़रत का आप मज़ाहरा कर रहे हैं और आप एक तरफा काम कर रहे हैं।